हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स मैजिकल पिटारा में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ नवरात्र के व्रत की एक नई रेसिपी, तिन्नी के चावल की तहरी। तो आइए देखते हैं हमको नवरात्र की इस तिन्नी के चावल की तहरी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने ये तिन्नी का चावल लिया है, यह हमने आलू लिया है जिसको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, या हमने शिमला मिर्च छोटी छोटी पीस काट लिया है, आप चाहें तो गोभी या पनीर या कोई और सब्जी भी डाल सकते हैं। ये हमने टमाटर बारीक काट के रखा है, धनिया की पत्ती है, ये सेंधा नमक लिया है यानी व्रत में खाने वाला नमक, मूंगफली का तेल लिया है, ये हमने अदरक का पेस्ट बना के रखा है, ये हमने काली मिर्च पीस के रखा है, ये साबुत लौंग लिया है, बारीक हरी मिर्च काट के रखा है हमने, और ये बड़ी इलायची है जिसको हमने तोड़ के रख लिया है, और ये साबुत जीरा लिया है। तिन्नी के चावल को हमने धुल के साफ कर लिया है। अब हम कुकर गरम कर रहे हैं, गैस जलाते हैं, और जब हमारा कुकर गरम हो जाए तो हम इसमें मूंगफली का तेल डाल के भी गरम कर लेते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये साबुत मसाले, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची डाल के मसाले चिटका लेते हैं। जब मसाले हमारे ये चिटक जाएं, तब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हमारे साबुत मसाले जो हैं वो हो चुके हैं, अब हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें आलू डाल के और शिमला मिर्च डाल के फ्राई करते हैं। शिमला मिर्च और आलू हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमारा आलू और शिमला मिर्च फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर फ्राई कर लेते हैं, और टमाटर को हम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। इसके साथ हम अदरक और किसी भी काली मिर्च भी डाल देंगे। टमाटर अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई कर लेते हैं। हमारे टमाटर फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम ये धुले हुए चावल डाल के इसको भी फ्राई कर लेते हैं। हम अपने चावल अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं। ये तहरी वैसी ही बनती है जैसी साधारण तहरी बनती है, बस इसमें लहसुन प्याज या जो चीज़ें व्रत में नहीं खाई जाती हैं वो नहीं डालेंगे, और गैस धीमी करके ही हमने चावल भी भुना है जैसे टमाटर भुना था, गैस धीमा करके। चावल हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं, और उसके बाद नमक डाल लेते हैं। अब आँच हम तेज कर लेते हैं, पानी अभी कम है इसलिए और डालेंगे। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम कुकर पे ढक्कन लगा देते हैं, और तेज आंच पे दो सीटी आने तक अब हम कुकर पे ढक्कन लगा दे रहे हैं, और फिर उस पर सीटी भी लगा दे रहे हैं। अब तेज आंच पे दो सीटी आने तक
इसको पकने देंगे। दो सीटी आने पे हम गैस बंद कर देंगे। हाँ तो देखिए टिन्नी के चावल की तहरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको धनिया की पत्ती से अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। आपको हमारी इस टिन्नी के चावल की तहरी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल मम्स मैजिकल पिटारा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम तो चले खाने और आप भी जाइए बनाइए और खाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।